अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बन रही हैं ड्रमस्टिक्स और बना रही है शिजा हसन गिलानी जी। तो चलें किचन में चलते हैं और देखते हैं बेटी क्या कर रही है। बनाते हैं, देखते हैं ड्रमस्टिक्स। ये 1.5 किलो चिकन, इसमें हम 2 बड़े खाने के चम्मच डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ही हम इसके डालेंगे 2 बड़े खाने के चम्मच सिरका, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन को हमने कट लगा के रखा था ताकि अंदर तक इसमें जो है वो मसाला लग जाए। 2 बड़े खाने के चम्मच हम लेंगे इसमें सोया सॉस, इसमें चिली सॉस जो हॉट सॉस होता है वो, अब हम इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे से जो हमने चिकन में कट लगाए हैं उसके अंदर भी हम सारी मैरिनेशन को मिक्स करेंगे ताकि चिकन का जो फीकापन है। ये हमने मसाले लिए हैं जिसमें हमने 1 खाने का चम्मच लिया है तंदूरी मसाला, 1 खाने का चम्मच हमने लिया है टिक्का मसाला, 1 टीस्पून हमने लिया है लाल पिसी मिर्च और 1/2 टीस्पून हमने नमक लिया है, क्योंकि हम पहले नमक टेस्ट कर लेंगे और उसके बाद कम हुआ तो हम इसे मज़ीद बढ़ा देंगे। साथ ही हम जो है वो 2 खाने के चम्मच यानी बड़े जो सर्विंग स्पून होते हैं वो हम दही ऐड कर देंगे इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करके हम रख देंगे तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे ढक के और 2 से 2.5 घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के बाद हमने जो है वो चिकन फ्रिज में से निकाला है और अब देखते हैं कितना अच्छा मसाले का कलर और मसाला इसका बिल्कुल गज गया। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जो है कोटिंग, तो वो हम साथ साथ आपको बताते हैं उसकी। तकरीबन ये हमने लिया है 240 ml, पूरा 1 कप ये साइज़ इसका। 2 कप्स हम इसमें डालेंगे मैदा और 3 कप्स हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। एक बड़ा खाने का चम्मच डालेंगे हम चिकन पाउडर, 1 बड़ा खाने का चम्मच हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1 खाने का चम्मच हम डालेंगे चिली गार्लिक पाउडर। ये टेस्ट डेवलप करने के लिए अगर नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं, इसकी जगह आप जो है वो चिकन टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं टेस्ट डेवलप करने के लिए। 1 चम्मच हम डालेंगे नमक, इसको हम अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम चिकन के 1-1 पीस को उठाएंगे और इस मसाले में अच्छे तरीके से हम कोट करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से अच्छे तरीके से इसमें मसाला लग जाना चाहिए सारा का सारा। ये भी हमने सिंगल कोट किया है, ठीक है, सिंगल कोट करके हम इसको एक साइड पे रख देंगे। इसी तरीके से 1-1 करके सारे जो हमारे लेग पीसेस हैं हम उसको कोट करेंगे। ये देखें सारे इस तरीके से जो लेग पीसेस हैं वो कोट हुए हुए इस तरह की उनकी शक्ल आएगी। और इफ्तारी में अगर आपका टाइम है तो आप इसको थोड़ी देर और फ्रीज़र में रख दें और उसके बाद फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। दोस्तों आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है
आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मैं ज़रूर ज़रूर कहूँगी कि आप इसे एक बार तो ज़रूर आजमाइएगा और फिर उसके बाद बार बार बनाएंगे। ये जो आपको लिक्विड नज़र आ रहा है ना, इसमें दो अंडे और आधा कप दूध है। अच्छी तरह से इसे बीट कर लीजिएगा। तो कोटेड चिकन को, कोटेड ड्रमस्टिक्स को पहले आपने उस लिक्विड में डालना है, फिर दोबारा से आपने उसे मैदा अच्छी तरह से फोल्ड करना है। अब आते हैं फ्राइंग की तरफ। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ड्रमस्टिक्स ऑयल में डालने के बाद आपने इसको फौरी तौर पे नहीं छेड़ना जब तक कि ये अपनी जान ना पकड़ लें। जब आप देखें कि ड्रमस्टिक्स मीडियम ब्राउन हो गई हैं तो आप इसे पलट लीजिएगा। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से क्रिस्पी आएगी शक्ल। फ्राइंग के आखिरी मरहले में, आखिरी 30 सेकंड्स में आप चूल्हा तेज़ कर दें, एक तो कलर अच्छा हो जाएगा, दूसरा एक्सेस जो इसका ऑयल होता है वो निकल आता है, यानी कि वो हमारी जो पकौड़े हों या हमारा जो ड्रम स्टिक हो उनको छोड़ देता है। अफ्तार का टाइम है, दस्तरखान सजा है, अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही हैं, तो आए हम भी फैज़याब होते हैं, दुआ पढ़ते हैं, अजान का इंतज़ार करते हैं, दिलशाद नसीम को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब राखा।